नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे माधव इंफ्रा की। तो माधव इंफ्रा ने दोस्तों 6 अगस्त को बोनस दिया था और बोनस देने के बाद दोस्तों देखोगे तो दोस्तों स्टॉक में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला और फिर कंटिन्यू स्टॉक गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 23.90 के आसपास का यहाँ पर रजिस्टेंस टच किया और यहाँ पर से कंटिन्यू लोअर सर्किट लगी हुई है। आज के भी मार्केट में लोअर सर्किट लगी हुई है, क्यों तो दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों आज बाइंग एंड सेलिंग कुछ नहीं हो रहा है, हर रोज़ स्टॉक के अंदर 2% के आसपास की लोअर सर्किट लगती है। 572 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का, चेक की बुक वैल्यू है और दोस्तों देखेंगे तो पी रेशो 28 के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। 2024 का कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। प्रोमोटर होल्डिंग भी स्टॉक के अंदर 68% है और दोस्तों रिटेल होल्डिंग 31% है। वैसे देखा जाए तो बोनस इशू करने के बाद दोस्तों स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, इसलिए स्टॉक में यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टरों के डबल ट्रिपल हो गए रुपये, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स आपको बताने वाला था, बाकी मैंने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट सब कुछ अच्छे से बताया है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उसका ओल्ड वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह है, क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट बहुत देखने को मिलेगी और रिस्की रहता है। इसलिए अपने निवेशक अपने एक्सपर्ट की राय लेके ही निवेश करें और शेयर मार्केट की लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।